हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट टू वीडियो। आप एक्सरसाइज 10.2 क्लास 8 मैथ। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। आई इन्वेस्ट 20,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट विच विल अर्न एन इंटरेस्ट एट 9% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स विल आई गेट एन अमाउंट ऑफ इतना। तो ये पी हो गया या ए हो गया या रेट हो गया। हाउ मैनी टाइम्स यानी टाइम पूछ रहा है, ठीक है। पीस 20,000 रुपीज़ इज 23,762 और रेट इज इक्वल टू 9%। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम चाहिए इसको। फार्मूला सेम यूज करेंगे, ए इक्वल टू पी 1+R/100 होल पावर टी इज गिवेन 23,762 20,000 1+R/100 होल पावर टी 23,762 20,000 को राइट साइड में लाएंगे तो डिवीज़न हो जाएगा इसके साथ। ये हो जाएगा 109/100 होल पावर टी। इसको जो है टू से काटते, टू वन जै टू 2 8 16 2 8 16 2 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा 1 2 3 4 यानी 100 का ये स्क्वायर है तो 109 है, तो 109 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो यही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 109 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है। हमको इसी से कंपेयर करके चलना है, इसको निकालने यहाँ पर एक मैच कर गया है कि यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 109 के स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। तो हमने इसको कर लिया, बेस सेम है तो 2 = T यानी टाइम जो है 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल 80,000 अमाउंट टू 1,06,480 इन 3 ईयर्स। पी दिया है, आर दिया है, सॉरी ए दिया है और टाइम दिया है, आर पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी इज 80,000, ए इज 1,06,480 और टाइम इज 3। सेम फार्मूला यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज सेम फार्मूला। ए इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 होल पावर टी। ए इज गिवेन 106,480, पी इज 80,000, 1+R इक्वल टू आर तो हमको फाइंड आउट करना है, अपन टाइम इक्वल टू 3। 106,480 अपन 8,000 ये करेंगे तो 100+R अपन 100 होल पावर 3। 0 से 0 फिनिश हो गया। तो इसको 8 से ही काटते हैं इसको, 8 से ऊपर वाला भी कट जा रहा है तो 8 1 जाए 8 2 और 6 26 हुआ, 8 2 जा 16 3 जा 24 फिर 2 4 24 8 1 जा 8। अब यहाँ पर देखिए यह 11 का क्यूब है, यह 10 का क्यूब है, 10 10 जा 100 मतलब यानी 11/10 का होल क्यूब इक्वल टू 100+R
बेस इनका पावर सेम है, तो वह पावर हट कट जाएगा आपस में, पावर फिनिश हो जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे 100 प्लस आर 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11 का 100 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपन 10 इक्वल टू 100 प्लस आर, जीरो जीरो फिनिश हो गया, 110 माइनस 100 इधर आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी रेट इक्वल टू 10%। गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। दीपक बोरो 50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, आफ्टर 2 years ही रिटर्न द मनी विथ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6,180 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई हिज फ्रेंड। बोरो यानी प्रिंसिपल हो गया 50,000 टाइम 2 years और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 6,180 रुपीज, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी जो हम ये क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला जो पहले भी बता चुके हैं उसी को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आप CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट चूंकि दिया है P इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल पावर T माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवेन 6,180 इक्वल टू P 50,000 1 प्लस आर रेट हमको निकालना है 100 होल पावर T यानी 2 years माइनस 1। अब जो है 6,180 50,000 की इधर ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल टू 100 बन जाए 100 प्लस 100 प्लस आर अपन 100 होल पावर 2 माइनस 1, इसको जीरो से जीरो फिनिश हो गया, टू से काटते हैं, 2 2 4 2 5 10 0 0 2 3 6 0 2 9 18 इतना हो गया। अब ये जो है 309 अपन 2500 और ये माइनस 1 को इस साइड में ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 100 प्लस आर अपन 100 होल पावर 2। अब ये जो है 1 कर देंगे LCM इसका निकालेंगे तो 2500 ही होगा, तो 309 अपन 1 से 2500 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी, इनको जो है हम थ्री हंड्रेड नाइन एंड 2500 को इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ये 0305 और उसको जोड़ते हैं तो 099 आ जाएगा, फिर 0 0 फिर 8 538 और उसके बाद 2 अपन 2500 इक्वल टू 100 प्लस आर अपन 100 होल पावर 2। अब जो है इसको हम करते हैं तो 5 5 25 50 का स्क्वायर ये है, इसका जब हम निकालते हैं ये 53 का जब हमने इसका निकाला स्क्वायर रूट तो 53 आया, तो 53 इंटू 53 यानी 53 और ये जो है 55 0 का स्क्वायर 100 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी, पावर सेम है तो पावर को हटा देते हैं
53 अपॉन 50 100 प्लस आर अपॉन 100 ट्रांसपोज कर देंगे तो 53 जीरो जीरो या 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 50 एक जीरो से एक जीरो फिनिश हो गया। और यहाँ पर बचेगा क्या, ये इधर चला गया है, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस आर क्यों 100 प्लस आर होगा और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 530 और ये 5 का इसमें चला जाएगा तो 500 प्लस 5R तो 530 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा अपन 5R तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 5 × 5 = 30 यानी R इक्वल टू हो गया 6% रेट हमारा जो है 6% इसका हुआ। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ इतना रुपीज बिकम्स इतना पी ए हो गया 3 इयर्स इफ द इंटरेस्ट आर कंपाउंड एनुअली, रेट पूछ रहा है इसमें भी 7 में। तो पी इक्वल टू गिवेन सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड एंड अमाउंट इज 1,08,000 टाइम इज 3 इयर्स। ठीक है, रेट हमको फाइंड आउट करना है, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी। 1,08,000 इक्वल टू 62,500 1 प्लस आर फाइंड आउट करना है 100 होल पावर 3 तो 108,000 अपान इसको इधर लेते आएंगे 100 बन जाए 100 प्लस आर अपान 100 होल पावर 3 तो 20 फिनिश हो गया। और किससे कटा जाए, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 5 × 2 = 10 5 × 5 = 3 6 = 30 5 × 6 = 30। अब ये हमको मालूम है कि 5 × 25 125 6 × 6 = 6 212 यानी 6/5 का क्यूब है, यह 6 का क्यूब है या 5 का क्यूब है 100 प्लस आर अपान 100 होल पावर 3। यहाँ पर पावर दोनों का सेम हो गया, पावर हटा देंगे अब आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 100 प्लस आर अपान 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 500 प्लस 5R तो 600 माइनस 500 ट्रांसपोज करेंगे तो 5R तो 100 इक्वल टू आर निकालेंगे अपान 5 जगह काफ़ी कम हो गया 5 × 5 = 5 5 × 2 = 10 0 यानी 20% रेट जो है रेट हो जाएगा 20%। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को एक बार दो बार करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 8
because the last this is the last question, question number 8. Arvind deposited 20,000 in a fixed deposit scheme of a company and receive 26,620 after a certain period of time. Find the time period. If the rate of interest is 20% per annum, interest compounded half yearly. So you know, if interest compounded half yearly, rate is half and time is double. Rate को half कर देते हैं, time को double कर देते हैं. तो first we going to is given 20,000 is 26,620 time नहीं दिया, rate दिया है 20%, half yearly calculate करना है. जब half yearly calculate करते हैं, rate जो होता है 20% जो है वो हो जाता है half, यानी 10% और टाइम, जो भी टाइम हो वो दो, जो मान लो टाइम टी है तो वो टी को दो गुना कर देते हैं, यानी 2t, टाइम इज 2t. हमने मान लिया वो टाइम टी लगा तो उसको टाइम को हाफ ईयरली में दो गुना और रेट को हाफ कर देते हैं. ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करते हैं, वही सेम फार्मूला है, a इज इक्वल टू p into 1 plus r upon 100 whole power t. A is equal to given 26,620. P is 20,000. 1 plus r 10% है whole power t, 2t. 0 से 0 फिनिश हो गया. तो यहाँ पर जाएगा 26,620. ट्रांसपोज करके 20 को 20,000 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 10 है दोनों के एलसीएम, 1 10 ही होगा तो 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 होल पावर 2t. 0 0 फिनिश हो गया. 2 2 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 और कटने वाला है नहीं कटेगा. तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा 11 का क्यूब, यानी 11 अपन 10 का क्यूब इक्वल टू 11 अपन 10 का 2t. अब बेस दोनों का बेस सेम है तो हम पावर ले लेंगे, 3 इक्वल टू 2t. तो 2 बराबर क्या देगा, 3/2, यानी हम ये भी कह सकते हैं 2 2 ईयर, 1.5 ईयर्स टाइमिंग जो है 1.5 ईयर लगेगा. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस एक्सरसाइज 10.2 हैज बीन फिनिश्ड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज. आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.